गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास टू का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। तुम लोग पावनी निकालो, पार्ट फाइव निकाल, बुक पार्ट फाइव का निकालिए, उसमें बादल चैप्टर है, निकालो बादल। हम अब यहाँ हम पढ़ेंगे बादल कविता का, कविता पढ़ेंगे और उसके उसका अर्थ जानने की भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ है बादल। बादल अक्सर आकाश में देखा होगा या बरसात का मौसम में, अभी आकाश में बादल घिरा ही रहता है, तुम लोग देखते भी होगे। बादल तो एक ही होता है मगर उसमें सबको अलग अलग आकृति दिखती है। तो अब बादल जो होते हैं एक ही जैसा होता है लेकिन उसकी शक्ल जो होता है हमेशा बदलते रहते हैं। कभी वह बाघ का रूप ले लेता है, कभी हाथी का रूप, मैंने तरह तरह की आकृतियाँ उसकी हमेशा बनते हैं। कभी पर्वत बन जाते हैं, कभी पहाड़ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो इस तरह से उनकी आकृति जो होता है, उनकी रूप जो होता है हमेशा बदलता रहता है। सबके मन में अलग अलग भाव उठते हैं। कोई बादल को देखकर खुश होता है, कोई भयभीत होता है, कोई जो होता है बहुत ही, जैसे मोर जो होते हैं बादल को देखते ही वे इतने खुश हो जाते हैं कि वे जंगलों में नाचने लगते हैं, पेड़ पौधे खुशियों से झूमने लगते हैं। तो बादल सभी का हाव भाव अलग हो जाता है। बादल का मतलब है सभी सबके लिए अलग अलग कैसे होते हैं। यहाँ इसी के बारे में हम लोग इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दूर देश से आते बादल। बादल कहाँ से आते हैं? तो दूर देश से आते हैं। ये कोई नहीं जानता है कि बादल कहाँ से आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े जरूर हैं कि नदियों तालाबों समुद्रों का पानी जो होता है सूरज के ताप से गर्म होकर कर क्या होते हैं, भाप बनते हैं, और यही जो भाप जो होता है ऊपर जाने पर ठंडे हो जाते हैं और बादल का शक्ल ले लेते हैं। तो दूर देश से आती बादल, काले बादल भूरे बादल। दूर देश से जो बादल आते हैं उनका आकार, उनका रूप कैसा होता है? तो देखा होगा कुछ बादल बहुत काले होते हैं और कुछ बादल भूरे रंग का होते हैं। आसमान में घुमा करते और वे आकाश में जो होते हैं, आसमान का अर्थ होता है आकाश, नव आकाश में वे हमेशा घूमते रहते हैं, माने चक्कर देते रहते हैं। पागल सी मतवाले बादल, और वे बादल जो होते हैं पागल की तरह मतवाले होते हैं, वे जिधर जाते हैं उधर उड़ते रहते हैं, माने हवा के साथ उड़ते रहते हैं। बजा बजा कर ढोल नगाड़े, माने जिस तरह हम लोग बाजे गाजे बजाते हैं उसी तरह नदियां जो हो बल्कि बादल जो होते हैं आकाशों में गर्जना करते हैं। देखता होगा कि जैसे ही आकाश में बादल घिर जाते हैं बाद आकाश में गर्जना होने लगती है, वे गड़गड़ 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 की आवाज़ से क्या करते हैं, गर्जना करते हैं। कह रहा है कवि कि बाजा बजा कर ढोल नगाड़े सज धज कर हैं आते बादल, और वे ढोल नगाड़ों की तरह माने गड़गड़ाहट की आवाज़ लेकर वे आकाश में घिर गए हैं। और वे क्या होते हैं, सज धज कर, जिस तरह हम लोग सज धज कर कहीं जाते हैं उसी तरह बादल भी अपने ढोल नगाड़ों के साथ सज धज कर आकाश में आ गए हैं। झूम झूम कर मोर नाचते, जिसे देखकर बादलों के रूप छटा को देखकर, मोर क्या होते हैं जंगलों में वनों में नाचने लगते हैं, खुशियों से झूमने लगते हैं। उमड़ घुमड़ जब जात छाते बादल,
जब बादल उमड़ और घुमड़ कर आकाश में छा जाते हैं तो मोर खुशियों के मारे मारे नाचने लगते हैं। सागर से गागर भर लाते, माने ईश और वे क्या होते हैं, सागर से गागर भर लाते, वे समुद्रों से पानी माने गागर भर लाए हैं, माने पानी भर कर लाए हुए हैं, झमझम जल बरसाते बादल। और ये जो गागर भर कर लाए हैं उसी जल को क्या करते हैं, आकाश से पृथ्वी पर झमझम बरसाने लगते हैं। तो इस तरह से बादल धरती का प्यास जो होता है, धरती का प्यास जो होता है वह बुझा देता है, धरती पर हरियाली लाते। अगर बरसात न हो, न बादल अगर बरसा न करें तो क्या हो जाती, धरती बंजर हो जाती। बादल के कारण ही और बादल बरसने के कारण ही हमारी धरती हरी भरी रहती है। अगर बादल नहीं बरसे तो ये धीरे धीरे ये धरती क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। तो यही कह रहा है, धरती पर हरियाली लाते बादल। जो कौन धरती पर हरियाली लाता है, तो बादल हर धरती पर हरियाली लाते हैं। सबकी प्यास बुझाते बादल, और सभी का माने संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का प्यास कौन बुझाता है, तो बादल बुझाते हैं। क्योंकि बादल का पानी ही हम लोग जो धरती पर बरसता है वही धरती में धरती के नीचे एकत्रित रहता है, और उसी पानी को हम लोग किसी न किसी रूप में पीते रहते हैं। तो इस तरह से बादल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बादल के बिना इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। अतः बादल हमारे जीवन के लिए एक अहम हिस्सा होता है। अब ये कविता का अर्थ तो हम तुम लोगों को बता दिए। अब हम तुम लोगों को कुछ यहाँ कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हम लिखवा दे रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी पर लिख लो। मतवाले, नशे में चूर, आप
अब यहाँ है मतवाले। मतवाले का अर्थ होता है नशे में चूर मस्त। नगाड़ा प्याली के आकार का एक बड़ा ढोल। गागर, गागर का अर्थ होता है कलश या घड़ा। सागर का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र इस तरह मैंने यहाँ तुम लोगों का कठिन शब्द लिखवा दिया गया। अब हम तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर अगले बार लिखवाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास टू का पार्ट फाइव का प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। सभी बच्चे अपना बुक निकाल लो और बादल चैप्टर निकालो। अब बताइए प्रश्न अब है, पहला है बताइए। यहाँ है प्रश्न वन। प्रश्न वन क्या है? बादल कहाँ से आते हैं? बादल कहाँ से आते हैं? तो उत्तर है बादल दूर देश से आते हैं। बादल कहाँ से आते हैं? तो बादल दूर देश से आते हैं। प्रश्न टू है बादल क्या करते हैं? उत्तर हम लिखेंगे बादल आकाश में इधर से उधर घुमा करते हैं। माने घुमा के होता है घूमते हैं, माने इधर से उधर माने आते और जाते हैं। प्रश्न तीसरा है बादल कौन कौन से रंग के होते हैं? बादल का रंग कौन कौन सा होता है? तो अक्सर इस समय तो बरसात चल ही रहा है, तो तुम देखता होगा कि बादल मुख्य रूप से काले और भूरे बादल होते हैं। अनेक बादल का रंग अधिकतर काला होता है या तो भूरा होता है। प्रश्न अब है लिखिए। प्रश्न का उत्तर हम लिखवाएंगे तो लिखिए। प्रश्न पहला है बादल आसमान में किसकी तरह घूमते हैं? तो बादल आसमान में किसकी तरह घूमते हैं? तो बादल आकाश में पागल मतवाले की तरह घूमते या घूम रहे हैं। तो जिस तरह पागल हाथी जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, वह जिधर मन चाहे उधर दौड़ लगा देता है, उसी तरह आकाश में बादल होते हैं। हवा जिधर बहता है उधर बादल उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं और वह आकाश में विचरण करते हैं। उस पर कोई उसको रोक टोक नहीं होता है। प्रश्न दो है बादल पानी कहाँ से लाते हैं? बादल पानी माने अक्सर ये सभी को प्रश्न मन में उठता है कि बादल जो है आखिर इतना पानी जो बरसता है वह कहाँ से आता है? तो बादल जो होता है सागर से बादल पानी लाते हैं। सागर का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र से ही बादल जो है वह पानी लेकर आता है। प्रश्न है बादल के ढोल नगाड़े क्या होते हैं? तो बादल के जो दल और बल जो होते हैं, जो बादल छोट माने जो उसके साथी जो होते हैं वो दल बल इनके ढोल नगाड़े होते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न का उत्तर तुम लोगों को लिखवा दिया गया लिखित का भी। अब हम यहाँ है कि कुछ पंक्तियाँ कविता का दिया हुआ है तो उसको लिखना है। करते घुमा आसमान में घुमा करते, इसको ठीक क्रम से करना है। माने यहाँ सेंटेंस को सीधा करना है। यहाँ जैसे Thank you.
क्या है शब्दों को सही कर्म में रखकर कविता की पंक्तियों को ठीक कीजिए। का है आसमान में, यह है या हम इसको सही कर देंगे आसमान आसमान घुमा करते, माने ये बीच बीच में ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है करते घुमा आसमान में, इसको हम सीधा करेंगे आसमान में घुमा करते। ख है बादल सज धज कर आते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बादल सज धज कर आते हैं, तो यहां हम लिखेंगे सज धज कर बादल आते हैं, तो इस तरह से हम इसका बने सही बना देंगे। ग है बादल जब उमड़ घुमड़ कर घुमड़ छाते। अब हम इसको सही किस तरह बनाएंगे? तो हमें बादल जो है वे उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो यहाँ हम उमड़ घुमड़ जब छाते बादल, क्या छाते बादल। अब घ है बादल बुझाते प्यास शब की, तो यहां हम लिखेंगे सबकी प्यास बुझाते बादल। तो यहां है कि करते माने कुछ इसको पंक्तियों को ठीक करना है, तो करते घुमा आसमान में
तो इसको हम सीधा करेंगे आसमान में घुमा करते। बादल सजधर का आते हैं तो सजधर कर बादल आते हैं। सजधर कर आते हैं बादल, तो इस तरह से हम सजधज कर आते हैं बादल। बादल जब उमड़ घर कर छाते हैं तो उमड़ घुमड़ कर जब छाते बादल। बादल बुझाते प्यास सबकी तो सबकी प्यास बुझाते हैं। तो इस तरह से हम इसको शुद्ध कर दिए। तुम लोग अपने बुक में भर लो, भाव बुक में इसको ठीक से भर लो। अब है बंद।